साल 2022 का फिजिक्स का नोबेल प्राइज तीन फिजिसिस्ट को दिया गया। यह एलन एस्पेक्ट, जॉन क्लोसर और एंटन जिलिंगर। तीनों ने क्वांटम इंटेंगलमेंट पर अलग अलग प्रयोग किए हैं। तो आइए जानते हैं तीनों ने जिस विषय पर एक्सपेरिमेंट किए वो क्या है, उससे भविष्य में हमें किस तरह के फायदे होंगे। फ्रांस के फिजिस्ट एलन एस्पेक्ट, जॉन क्लोसर और एंटन जिलिंगर को फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार मिला है। यह सम्मान इन लोगों को उनके क्वांटम इंटेंगलमेंट को लेकर किए गए प्रयोगों के लिए दिया गया है। आइए जानते हैं कि ये तीन अलग अलग एक्सपेरिमेंट करके जिस क्वांटम इंटेंगलमेंट की गुत्थी सुलझाना चाहते थे, आखिर वो चीज है क्या। क्वांटम इंटेंगलमेंट इतनी जटिल प्रक्रिया है जिसे समझना आसान नहीं है, लेकिन वैज्ञानिकों को लगता है कि भविष्य में इसकी मदद से बड़े बड़े सुपर डुपर फास्ट क्वांटम कंप्यूटर बनाए जा सकते हैं। क्वांटम संचार हो सकता है, वह भी अंतरिक्ष में एक ग्रह से दूसरे ग्रह तक बिना किसी बाधा के। ऊर्जा बढ़ाई जा सकती है, अंतरिक्ष से ऊर्जा ली और लाई जा सकती है। साथ ही 100 GB डेटा कंप्रेस करके 1 GB के मेमोरी कार्ड में रखे जा सकते हैं। क्वांटम इंटेंगलमेंट का सबसे बड़ा फायदा भविष्य में जो होगा वो है टेलीपोर्टेशन का, यानी किसी व्यक्ति को किसी एक जगह से दूसरी जगह अणुओं में बदल कर तेजी से पहुंचाना, फिर वहां उसे वापस उसी रूप में खड़ा कर देना, यानी 1 सेकंड में दिल्ली से न्यूयॉर्क बिना किसी ट्रेन, प्लेन, जेट, बस के पहुंच जाएंगे। क्वांटम इंटेगलमेंट के सिद्धांत पर सबसे पहले न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण बल की खोज के समय ही ध्यान दिया था, लेकिन उसके बाद अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इस पर काम किया, अपना नया सिद्धांत दिया। इसमें उन्होंने बताया कि क्वांटम स्तर पर मौजूद दो या उससे अधिक और एक दूसरे पर निर्भर कणों का बनना उनका किसी भी प्रक्रिया के लिए एक साथ सहभागी होना ही क्वांटम इंटेगलमेंट है, लेकिन दोनों को एक दूसरे का पता नहीं होता, दोनों के बारे में स्वतंत्र रूप से नहीं बताया जा सकता। इसे उलझाव इसलिए कहते हैं क्योंकि कणों की गति, स्थिति, घुमाव और ध्रुवीकरण जैसे भौतिक गुणों की माप एक दूसरे से संबंधित होती है। आखिर इसकी क्या जरूरत है। क्वांटम इंटेगलमेंट बेहद नाजुक स्थिति है। जैसे ही इनके बीच से फोटोन यानी रोशनी निकलती है ये खो जाते हैं। इनका उपयोग करने के लिए जरूरी है कि हम यह जान लें कि फोटोन की जोड़ी का इंटेगलमेंट होता है या नहीं। इससे यह फायदा होगा कि भविष्य में ऊर्जा और स्टोरेज संबंधी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है, वह भी आण्विक स्तर पर जाकर। हम यह जानते हैं कि किसी भी वस्तु को सिर्फ भौतिक रूप से देखकर पकड़कर उसके आकार या आयतन को नाप सकते हैं, लेकिन ये सही नहीं है। क्वांटम इंटेगलमेंट को लेकर नील्स बोर और आइंस्टाइन में विवाद चल रहा था। नील्स बोर कहते थे ऐसी कोई चीज होती ही नहीं है, क्योंकि क्वांटम इतने सूक्ष्म है कि उनके लेवल पर किसी भी कण की सटीक जगह और स्विंग जैसे गुणों को बिना देखे नाप नहीं सकते। बात सही भी थी कि बिना देखे किसी वस्तु का आयतन कैसे बता सकते हैं, लेकिन आइंस्टाइन ने कहा नहीं। उन्होंने कहा कि अगर किसी वस्तु को देख नहीं सकते, इसका मतलब ये नहीं कि वो वास्तविक रूप में है ही नहीं। बाद में आइंस्टाइन ने बोरिस पोडोल्स्की और नाथन रोशन के साथ मिलकर क्वांटम इंटेगलमेंट से जुड़े अपने सिद्धांत को सिद्ध कर दिया। क्वांटम इंटेगलमेंट में अक्सर एक देता है जिसे स्पूकी एक्शन कहते हैं। आइंस्टाइन, पोडोल्स्की और रोशन ने अपने सिद्धांत को सिद्ध किया, लेकिन नील्स बोर ने कहा कि समान भौतिक गुणों वाले दो अलग अलग कण इस अंतरिक्ष में मौजूद हो ही नहीं सकते, भले ही वह प्रयोग के दौरान एक क्षण के लिए अपने गुणों को एक दूसरे में बदलने या ट्रांसफर करने में सक्षम क्यों न हो। दरअसल दोनों समान कणों के बीच किसी भी तरह का संबंध बिना सटीक माध्यम के संभव नहीं है, वह थोड़ा भूतिया यानी स्पूकी होता है, इसलिए इसे स्पूकी एक्शन कहते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है, क्वांटम इंटेगलमेंट को समझना क्यों जरूरी है। दरअसल भविष्य में क्वांटम कंप्यूटर बनाने वाले हैं। क्वांटम इंटेगलमेंट के जरिए क्वांटम कंप्यूटर के एनकोडिंग करने के यूनिट्स यानी क्यूबिट्स को आसानी से प्रोसेस किया जा सकता है। भविष्य में क्वांटम इंटेगलमेंट का सबसे बड़ा फायदा यह है कि हम बहुत बड़े डेटा को बेहद छोटी सी जगह में रख सकते हैं, यानी हम 100 GB की फाइल को 1 GB वाले मेमोरी कार्ड में कंप्रेस कर रख सकते हैं। संचार आसान होगा, ट्रेवलिंग आसान होगी। क्वांटम इंटेगलमेंट के चलते अणुओं और परमाणुओं की संरचना में काफी ज्यादा डेंसिटी होती है। यह साधारण स्थिति नहीं होती, इसे किसी वस्तु का मौलिक आकार नहीं बिगड़ता, मगर कम जगह पर भी होकर उसका अस्तित्व बना रहता है। तो आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट कर बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।